जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी? आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंपेयर करके इनको 7 पैरामीटर्स से। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, और सेल्फ स्टडी तो आप सब जानते ही हैं, अपने घर में बैठ के इंटरनेट की हेल्प से सेल्फ स्टडी करना। तो चलिए 7 जो पैरामीटर्स हैं, प्राइस, टारगेट या कह सकते हैं क्वालिटी, डिफ़िकल्टी, स्पीड, एंटरटेनमेंट, एक्सेस, जॉब्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइस से। अब देखिए, इसमें हम नंबरिंग सिस्टम से चलेंगे, यानी कि सबको एक वेटेज देंगे। अगर बहुत ही ख़राब हुआ तो हम उसको 1 देंगे, और बहुत ही सूटेबल हुआ तो उसको हम 3 देंगे, और जो इनके बीच का हुआ उसको एवरेज को हम 2 देंगे। देखिए, वैल्यूएशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरी तरह से, मेरी कोशिश रहेगी अनबायस्ड ओपिनियन देने की। जैसे कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है या ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे nihongomax.com है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अनबायस्ड आपको अपना व्यू दूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैंने जापान में यूनिवर्सिटी से स्टडी करी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी चीज़ की अपनी तरफ से तारीफ या अपनी तरफ से निंदा करना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी को बराबर मापदंड से हम नापें, और फिर अल्टीमेटली ये देखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके मार्क्स, किसके स्कोर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है प्राइस। इसके बारे में तो सबको पहले से ही पता होगा, या सभी लोग पहले से ही जज कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट को सबसे कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट इन सब में से सबसे ज़्यादा प्राइसी, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। तो इसको हम दे सकते हैं 1 नंबर। अब बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आ सकता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस इंस्टीट्यूट जितनी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ईयरली फ़ीस होती है। और थर्ड नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं सेल्फ स्टडी को, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टारगेट की, या फिर क्वालिटी की कह सकते हैं, मतलब आपका टारगेट अचीव किस जगह पर ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को मैं दूंगा 1। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, और जो भी लोग पढ़े हुए हैं वो ये सब जान सकते हैं कि वो जो टारगेट लेवल की पढ़ाई होती है, टारगेट आपका मान लीजिए N3 है, N2 है, N1 है या जॉब है, उसकी पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारी और भी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट मटेरियल होता है, चाहे वो किसी चाहे आप MA, MPhil, PhD तक भी जाएँ तो वो डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके टारगेट में हो सकता है आपके टारगेट में ना हो। और दूसरी बात, क्वालिटी की बात अगर मैं कहूँ तो जो बिल्कुल कोर रियल जैपनीज होती है, जिसको आप पढ़ के यूज़ कर पाएँ, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए हो, तो उस केस में भी, उस एरिया में भी सिर्फ 1 मार्क ही मिल पाएगा। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो मैं 2 कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा वो इसको बहुत श्रिंक्ड वे में पढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट्स में जो भी पढ़ाई होती है वो टारगेट के हिसाब से भी हो सकती है, थोड़ा सा ऑफ टारगेट भी जा सकता है, लेकिन मेनली आपके JLPT से ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स के कैरिकुलम हो सकते हैं। अब मैं दूंगा 3 मार्क्स सेल्फ स्टडी को। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप अपना कैरिकुलम खुद बना सकते हैं, दूसरी बात कि आप कितनी भी स्पीड से, चलिए स्पीड के सेक्शन में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टारगेट या क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात कि क्वालिटी में आप जितना चाहें, जैसे चाहें अपने करिकुलम को मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, आपको अगर धीरे लग रहा है तो आप अपनी करिकुलम में और चीज़ें डाल के एडवांस का भी पढ़ के बेसिक सीख सकते हैं। जापानीज लैंग्वेज सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी का सिस्टम एक बार समझ जाएँ। तो मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी को मिलते हैं 3 मार्क्स, क्योंकि एक और बात कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल है, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट, जो कि मैं प्राइस में बताना भूल गया, कि आपको लगभग ऑलमोस्ट फ्री ही मिलेगा सब कुछ, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसलिए अभी तक जो है वो सेल्फ को दोनों केसेस में मिलते हैं 3 और 3। चलिए बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। यहाँ पर केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल कि जो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफ़िकल्टी का मतलब क्या है। ये है, आपको पढ़ाई के समय कोई दिक्कत आए या कोई परेशानी आए तो इसमें आपको सपोर्ट किस चीज़ की है। देखिए, सेल्फ स्टडी में इसको मैं दूंगा सिर्फ 1 नंबर,
क्योंकि इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको कभी डिफिकल्टी आएगी तो आप ऑब्वियसली मतलब नेट पर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, लोग बहुत अवेलेबल हैं, मैं भी मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा तो मैं नहीं गाइड कर पाऊंगा हर चीज़ पर, तो आपको नहीं गाइड कर पाऊंगा। जैसे nihongomics.com पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे, ओपिनियंस लेते हैं, तो मैं अपने सारे सारे ओपिनियंस शेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन एवरी टाइम आई एम नॉट अवेलेबल। यहां पर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को मैं दोनों को ही 3-3 मार्क्स देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारे सीनियर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं जिनसे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके सॉल्यूशंस आपको जल्दी मिल सकते हैं, ज़्यादा बिना ढूंढे मिल सकते हैं, या फिर आपको आसपास के लोगों के ओपिनियंस भी सुनने को मिल सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बनता है। अब बात करते हैं स्पीड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो दो दो तीन तीन साल लगा देते हैं जापनीज़ पढ़ने में, कुछ बच्चे होते हैं जो एक डेढ़ साल में ही जापनीज़ पढ़ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अभी भी बेसिक पर हैं लेकिन फिर भी अपना काम करना शुरू कर गए हैं और उस काम से ही वो जापनीज़ बाकी सारी सीख रहे हैं। अब उनको काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं और जापनीज़ सीखने से उनकी एबिलिटी भी बढ़ रही है। तो स्पीड के मामले में मैं यूनिवर्सिटी को दूंगा ओनली 1। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 साल या 3 साल या 4 साल का कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए बैचलर्स डिग्री है या इवन मास्टर्स डिग्री है, तो आपको जापनीज़ लैंग्वेज जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, अगर वो पर्पज़ सिर्फ यूनिवर्सिटी पास आउट करके यूनिवर्सिटी डिग्री लेके हायर किसी और जगह पर जाना है तो बात अलग है। लेकिन यूजुअली 90% केसेज में अगर आप जैसे जॉब के लिए या जापनीज़ लैंग्वेज को यूज़ करके काम करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में स्पीड के लिए तो 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिए, मैं अगेन फिर से बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में मैं बात कर रहा हूँ नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे DU है, JNU है। और एक चीज़ और, मैंने नेम वैल्यू का यहाँ पर पॉइंट नहीं डाला है, क्योंकि नेम वैल्यू जो है हमारे केस में जापनीज़ लैंग्वेज के फील्ड में कोई भी मैटर नहीं करती, फ्रेंकली स्पीकिंग। चाहे आपने बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से किया हो, चाहे आपने सेल्फ स्टडी से किया हो, बिना किसी इंस्टीट्यूट जाए किया हो, आपके रिज्यूमे पे आप कुछ भी लिखें कोई भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है JLPT या फिर आपकी जो स्पोकन एबिलिटी है, जो आप इंटरव्यू में किस तरह से आप बात कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है, स्पेशली हमारी फील्ड में। दूसरी फील्ड्स का मुझे नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू होती है नहीं होती। जैसे अगर इंजीनियरिंग की बात करें, कोडिंग की बात करें, तो उनमें भी आई थिंक मैंने यूट्यूब पर सर्च कर मतलब काफ़ी बार देखा है कि मोरलेस सेम ही केस होता है, एबिलिटी मैटर करती है। बट जापनीज लैंग्वेज पर तो मैं 100% कह सकता हूँ कि एबिलिटी ही मैटर करती है। इसलिए नेम वैल्यू पे तो कोई मतलब इन सबको 0-0-0 ही देना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो क्लॉज डाला ही नहीं। तो चलिए वापस आते हैं, मैं बात कर रहा था कि स्पीड के केस में यूनिवर्सिटी को मिलेगा 1, इंस्टीट्यूट को मिलेगा 2, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में इंस्टीट्यूट्स का करिकुलम काफ़ी फास्ट होता है। जैसे 6 मंथ्स में वो टारगेट करते हैं कि एक लेवल आपका क्लियर हो जाए, या कुछ एक ईयर में टारगेट करते हैं कि हो जाए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से तो डेफिनेटली बेटर रहता है स्पीड के केस में। याद रखिए, सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्फ की। सेल्फ स्टडी में मैं इसको 3 मार्क्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपनी स्पीड, जैसे मान लीजिए अगर इंस्टीट्यूट में आप 2 दिन या 3 दिन क्लासेस करते हैं, तो आप डेली क्लास कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। अगर इंस्टीट्यूट में 2 या 2.5 घंटे क्लास होती है, तो आप 4 घंटे 5 घंटे, डिपेंड करता है आपका कितना टाइम इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। और अगर कभी जैसे कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई सेपरेट आपको कोई जॉब आ गई, कोई काम आ गया, तो आप 2 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ के वापस 3रे महीने से वापस स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी पॉइंट अच्छा है और स्पीड का भी पॉइंट अच्छा है सेल्फ स्टडी में। चलिए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। देखिए, एंटरटेनमेंट मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों का ज़्यादातर बात इसी पर रहती है कि सर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में फ़ायदा होता है कि हमें एंटरटेनमेंट बहुत मिलता है। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैपनीज़ कल्चरल क्लासेज हो रही हैं, ओरिगामी हो रहा है, या जैपनीज़ आ रहे हैं उनसे काइबा हो रहा है। हालांकि इसका जैपनीज़ लैंग्वेज की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी, आपको कोई लैंग्वेज एनहेंसमेंट नहीं होती। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ती है, मैक्सिमम वो मैं कहूँगा 0.5% या 1%, कोई थोड़ी बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई, जो कि आप आधे घंटे में यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो टोटली इसको मैंने एंटरटेनमेंट बोला है, ताकि आपको भी ये बात समझ आए कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बेसिक के बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट ही है। एडवांस में आप ठीक है, अगर आपका उस तरफ उस एरिया में उस जगह पर कोई का ऐसा काम है जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ओरिगामी के सेशंस आपके जॉब में भी यूज़ हो रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन एंटरटेनमेंट के केस में मैं यूनिवर्सिटी को देना चाहता हूँ 3, इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ 2, और सेल्फ स्टडी को देना चाहता हूँ 1, क्योंकि सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप यूट्यूब से ये सब चीज़ें देखते हैं तो बात अलग है, लेकिन
कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है जिसमें आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, खुद ओरिगामी बना रहे हैं, तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए आप बात करते हैं एक्सेस की। देखिए एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आपने कैलकुलेट करा, एलोकेट करा अपने करियर वाइज, लेकिन एक्सेस ही नहीं हो पा रही है तो प्लानिंग भी करना मुश्किल है। ठीक है, तो एक्सेस में सबसे पहले मैं सेल्फ स्टडी को देना चाहता हूँ 3 मार्क्स, क्योंकि इसके लिए मैंने जैसे कि बताया आपको सिर्फ एक इंटरनेट और एक लैपटॉप की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्टीट्यूट को भी आप 3 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के यूजुअली सभी के कोर्सेज ओपन रहते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, तो थोड़ा सा वेट करके या फिर बहुत ही जल्द आपको एडमिशन बड़े आराम से आप ले सकते हैं, बस आपको फीस पे करनी है। यूनिवर्सिटी को मैं 1 देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक्सेस लेना जो है, पहली बात तो टाइम के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कब वो एडमिशन हो रहे हैं, दूसरी बात कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, शायद आप वो मैच कर पाएँ चाहे या फिर मैच ना कर पाएँ, और इनमें एक्सेस लेना उतना आसान नहीं होता, और लोगों की भीड़ भी बहुत होती है, क्योंकि अगर आप प्रपोर्शन अगर गिने तो हज़ारों में से कोई सिर्फ 10-15 एडमिशन होते हैं। वही बात नेम वैल्यू की है, लोगों को पता नहीं होती है बात के नेम वैल्यू बराबर ही रहती है, चाहे आप बड़ी यूनिवर्सिटी से करें चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, तो वो सोचते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ही हम आगे मतलब अच्छा हमें जॉब मिलेगी, जबकि जॉब का उससे कोई लेना, चलिए कोई बात नहीं जॉब का भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था एक्सेस की का जो पॉइंट है वो इस वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंट्रेंस एग्जाम देने वालों की, और पास करने वालों का प्रपोर्शन कम होता है। चलिए बात करते हैं जॉब्स की। तो जॉब्स में देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को दोनों को ही 2-2 मार्क्स और सेल्फ स्टडी को 1 मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टडी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जॉब्स के लिए अल्टीमेटली आपको चाहे, देखिए इंस्टीट्यूट हो यूनिवर्सिटी हो, 2 मार्क्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्प तो मिलता ही मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 0 ही हेल्प मिलेगा, बट सेल्फ स्टडी के केस में तो टोटल आप इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं टोटली, या फिर आपके अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के केस में भी, वैसे इन केसेस में भी इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है बच्चों को, यूनिवर्सिटी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पोस्टर चिपका देते हैं कि भाई यहाँ पर आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि सबको पता ही होता है, और जो सब सिमिलरली इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा ही होता है सिमिलर, लेकिन फिर भी मैं 1.5 कहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए 2 और 2 दे देते हैं दोनों को। और अब हम कर सकते हैं टोटल सबका, तो जैसा कि मैंने सोचा था, देखिए मेरा भरोसा कीजिए, मैंने वीडियो बनाने से पहले ये खुद टैली करके नहीं देखा था किसका ज़्यादा किसका कम आ रहा है, बट अब मैंने जब टैली करके देखा है तो यूनिवर्सिटी का टोटल आता है 13, इंस्टीट्यूट और सेल्फ का आता है 15, जो कि स्टार्ट करते समय भी मैं भी यही सोच रहा था कि इंस्टीट्यूट और सेल्फ कुल मिलाकर थोड़ा बहुत अच्छा ही रहते हैं यूनिवर्सिटी से। चलिए कोई बात नहीं, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, मैंने खुद यूनिवर्सिटी से स्टडी करी है, अगला वीडियो मैं ये बनाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर किया और मैं कैसे जापान पहुँचा, और मेरी स्टोरी के थ्रू आपको काफ़ी कुछ आई होप सीखने को मिलेगा। साथ के साथ आप nihongomax.com पर भी जा सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी के पॉइंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।